हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये शेडेड यान में और वेलवेट यान कह लें या शिनील यान कह लें, शिनील यान में आपको ये कैप बनाना बताऊँगी। ये शेडेड है, शेडेड यान है, सिंगल कलर में भी वेलवेट यान आते हैं। ये वेलवेट यान आपको सिंगल कलर में मिलेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर आते हैं इसमें, और इस तरीके के शेडेड यान भी आते हैं, मतलब एक ही धागे में ये सारे कलर अवेलेबल होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड शेडेड यान। ये मैंने एक एडल्ट कैप बनाई है और मैंने अपनी 8 साल की बिटिया को भी पहना के देखा, ये उसको भी परफेक्ट आ रही है, और मैंने खुद भी पहन के देखा, ये मुझे भी परफेक्ट आ रही है। एक 8 साल का बच्चा और एडल्ट के हेड में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो इसलिए मैंने ये आपको क्लियर कर रही हूँ कि अगर किसी बड़े बच्चे का बनाएं, 8 साल से ऊपर के बच्चे का, तो भी यही साइज़ बनाएं, और एक किसी एडल्ट पर्सन का बनाएं, मेरे जैसे पर्सन का बनाएं, तो भी ये यही साइज़ बनाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस कैप को। इस कैप के लिए मैं ये वेलवेट धागा इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको आप शिनील यान भी कह सकते हैं। मैं इसको नाप के भी दिखा देती हूँ। ये 2 सूत है, 2 सूत की इसकी चौड़ाई है, और इसके लिए मैं निटिंग नीडल नंबर 6 का इस्तेमाल करूँगी। मैंने कैप के लिए 60 फंदे डाले हैं, आप भी 60 फंदे डालने के बाद इस तरीके से मैं ये सीधा बुनूंगी। फर्स्ट रो है ये, सभी फंदों को इस तरीके से सीधा सीधा बुनाई कर लेंगे। वेलवेट धागे की बुनाई में एक चीज़ का खास ध्यान रखा जाता है कि आपको टाइट नीटिंग नहीं करनी है। टाइट नीटिंग मतलब इस धागे को खींच के, ज़्यादा इसको खींच के नहीं रखना है। टाइट नीटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इस धागे को, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी, इसकी नीटिंग जो है डेंस होती है, काफ़ी घनी होती है इसकी नीटिंग। तो इस तरीके से बुनाई करें, इस तरीके से हाथों को चलाएं कि ये लूप्स जो हैं सिलाई पे आराम से मूव कर सकें। इतनी लूज या निटिंग जो है होनी चाहिए इस धागे से। तो सभी फंदे को राइट साइड से फर्स्ट रो में मैं सीधा सीधा बुनाई कर लूँगी। फर्स्ट रो कंप्लीटेड। अब हम रॉन्ग साइड रो पे हैं, सेकंड रो। अब से हम पहले फंदे को स्किप करेंगे, चाहे राइट साइड रो स्टार्ट हो चाहे रॉन्ग साइड रो स्टार्ट हो, हम पहले फंदे को स्किप करेंगे, बिना बुने उतारेंगे। अब क्योंकि ये रॉन्ग साइड रो है, तो सभी फंदों को इस तरीके से उल्टा बुनाई करेंगे, इसको उल्टा बुनाई बोलते हैं। तो इस तरीके से बुनाई करते हुए हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। सेकंड रो रॉन्ग साइड रो कंप्लीटेड। हमने फर्स्ट और सेकंड रो कंप्लीट की है, ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इन्हीं 2 लाइंस को रिपीट करते जाएंगे, राइट साइड से सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से उल्टा बुनाई करते हुए, पर्ल निटिंग करते हुए रॉन्ग साइड से हम अपनी इस कैप की हाइट को कंप्लीट करेंगे। जितनी भी आपकी रिक्वायर्ड हाइट हो उतनी हाइट तक इसको बुन लेंगे। इन्हीं दोनों लाइंस को हमें रिपीट करते जाना है, और बस एक चीज़ का ध्यान रखें, टाइट निटिंग ना करें। टाइट निटिंग करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट में यानी कि कैप में सॉफ्टनेस भी नहीं रहेगी, सॉफ्ट नहीं लगेगी आपको कैप,
तो नॉर्मल हैंड नीटिंग करें और कैप की हाइट को कंप्लीट करते हैं। अब हम ये मैंने सिंपली निट करते करते इतना बना लिया है और इसकी हाइट है अप्रॉक्स 9 इंचेस है। 9 इंचेस तक बनाने के बाद अब मैं रॉन्ग साइड पे हूँ, रॉन्ग साइड रो पे हूँ, रॉन्ग साइड रो से ही घटाना शुरू करूँगी। पहले फंदे को स्किप करूँगी और अब इस तरीके से दो फंदों को पिक करके, इस तरीके से दो फंदों को लेके एक साथ बुनाई कर दूँगी। उल्टा ही बुनाई करूँगी पर दो को एक साथ बुनाई कर रही हूँ। तो दो फंदों को मैंने बुनाई कर लिया तो यानी कि एक फंदा यहाँ पे घट गया, दो का एक कर दिया मैंने। अभी फिर से मैं दो का एक करूँगी, फिर से दो का एक करूँगी। हर बार मैं दो फंदों को बुनाई करके एक कर दे रही हूँ। ध्यान से दीजिएगा कैसे ये दो फंदे लिए मैंने और इसको उल्टा बुना ऐसे। तो इस तरीके से घटाते हुए मैं इस रॉन्ग साइड रो को कंप्लीट करूँगी। और अब ये लास्ट का फंदा सिंगल है, इसको सिंपली पर्ल। तो ये फर्स्ट डिक्रीजिंग रो कंप्लीट हुई। अब हम राइट साइड रो पे हैं, राइट साइड पे हैं। अब हम सभी फंदों को सिंपली उल्टा बुनाई कर लेंगे। पहले फंदे को स्किप किया, सिंपली सीधा बुनाई कर लेंगे। सॉरी, उल्टा बुनाई नहीं करना है हमें, सीधा बुनाई करना है सीधी साइड से। तो इस तरीके से हम सीधा बुनाई कर लेंगे एक एक फंदे को लेके। राइट साइड रो कंप्लीट हुई। अब हम फिर से रॉन्ग साइड रो पे हैं। अब हम अपनी सेकंड डिक्रीजिंग रो बनाएंगे। पहले फंदे को स्किप करूँगी और दो फंदों को फिर से सेम मेथड डिक्रीज करने का, दो फंदों को एक साथ बुनाई कर दूँगी और उल्टा, वो भी दो फंदे लूँगी और इन दो फंदों को एक साथ उल्टा बुनाई कर दूँगी। तो इस तरीके से घटाते हुए मैं इस सेकंड रो को भी कंप्लीट कर लूँगी। अभी लास्ट में दो फंदे बचे हैं, इन दोनों को भी मैं एक साथ बुनाई करके एक कर लूँगी। तो अब ये मेरे लास्ट में फंदे बचे हैं, मैं काउंट कर लेती हूँ कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16। तो 16 लूप लास्ट में बचे हैं। अब मैं और बुनाई नहीं करूँगी। और इस कैप को बनाने में जो ऊन लगा है वो 100 ग्राम्स लगा है। 100 ग्राम ऊन का गोला था जो कि पूरा लग गया है, लगभग इसमें बचा नहीं है मैं कहूँगी। अब हम ये देखिए, धागा मेरा यहाँ जॉइंट है, इधर जॉइंट है धागा, और मैं धागा इधर जॉइंट है और मैं पीछे से इसको, इन 16 फंदों को इस सुई पे ले लूँगी। निडल पुल कर ले रही हूँ मैं कम्प्लीटली और ऐसे डालते हुए इन सभी फंदों को मैं सुई पे ले लूँगी।
कंप्लीटली फोल्ड कर लेंगे। कंप्लीटली पुल करने के बाद ये देखिए यहाँ पे सर्कल बंद हो गया है। हम इसको यहाँ पे फर्स्ट लूप से बांध लेंगे और धागा थोड़ा है ही अभी, तो मैं इसी से सिलाई कर लेती हूँ जितना हो पाएगा। एक एक नेट को, एक एक नेट के साइड को, इस साइड एरिया को पिक करते रहें और सिलाई करते जाएं। सीधी साइड से भी कर सकते हैं, उल्टी साइड से भी कर सकते हैं। मैं उल्टी साइड से ही कर रही हूँ। सबके अपने अपने तरीके होते हैं सिलाई करने के, आपको जो तरीका पसंद हो आप उससे करें। मैंने कैप को कम्प्लीटली सिलाई कर लिया है और आप भी इसी तरीके से स्ट्राइप मैचिंग का ध्यान रखें जैसे मैंने मैच किए स्ट्राइप्स को। कैप हमारी रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।